नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया से मैं मिथिला। तो देखिए ये आप लोग पहचान रहे होंगे, सोयाबीन है। तो इस सोयाबीन की आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसकी सब्जी आप जानते होंगे बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही पौष्टिक होती है। तो इस सोयाबीन को, इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। आपको कोई भी कमजोरी लग रही हो, कुछ भी हो, सोयाबीन का हलवा 2-4 दिन खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सोयाबीन आप पहचानते होंगे, सोयाबीन और लोबिया, देखिए ये ऐसी होती है ये, और लोबिया थोड़ा इसी का बड़ा रूप होता है, बिल्कुल ऐसी ही होती है लेकिन लोबिया थोड़ा बड़ी होती है। तो ये देखिए सोयाबीन, मैंने ये मैंने आपके दिखाने के लिए रख रखी है, और मैंने ये रख दो डिब्बे में सोयाबीन। ये देखिए सोयाबीन मैंने रात में भिगो दी थी, ये मेरी सोयाबीन है। ये देखिए, ये देखिए फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई। तो इसका हलवा पहले सोचे थे कि पीसेंगे, पीस के हलवा बनाएंगे, लेकिन हलवा किसी को पसंद नहीं आया, मीठा हमारे घर में लोग कम खाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने पीस ली थी, ये इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने इतनी पीस ली थी, लेकिन अब कोई खाएगा नहीं, तो मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद सोयाबीन की सब्जी होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसके आप सामग्री देख लें, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, जीरा है, मिर्च है, अदरक है, और ये देखिए ये हींग है ये, और ये देखिए ये मेरे पारंपरिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, बस इससे ज़्यादा मसाले हम डालेंगे नहीं। नॉर्मल सब्जी बनाने जा रहे हैं घर में खाने के लिए। तो ये देखिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये मेरा सौंफ है और इलायची है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा तेल चढ़ा हुआ है कुकर में, अब हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए ये मेरा जीरा है और हींग है, गैस फुल कर देते हैं, जीरा हींग चढ़कने का इंतजार करते हैं। जीरा के साथ हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बड़ी अच्छी स्मेल आती है। ये देखिए इतनी सामग्री ही ये सब हम डालेंगे। जीरा है, अब इसके साथ ये देखिए लहसुन जाएगा, लहसुन भी तड़केगा, लहसुन भी थोड़ा हल्का गुलाबी कलर का हो जाए। कड़छी देखिए मैंने लकड़ी वाली ले ली है, उससे खटपट खटपट ज़्यादा होता है। देखिए लकड़ी वाली ले ली, लेकिन आपको मैं बताऊँ ना, मुझे पता नहीं क्या है, लकड़ी वाली कड़छी से मैं मसाला वसाला ठीक से भून लेता हूँ, इसलिए मैं इस वाली कड़छी का इस्तेमाल करती हूँ। हल्का लहसुन हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, अब इसी स्टेज पर प्याज डाल देते हैं। प्याज और बहुत थोड़ा हरा मिर्च, अदरक हम बाद में डालेंगे, शुरू में नहीं डाला जाता। अब इसको हम भूनते हैं मसाले को। मेरा प्याज हो गया, देखिए इसमें टमाटर डाल देते हैं। मसाला मैंने नमक डाल रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा टमाटर गलने के लिए बस नमक डाल देते हैं इसमें, बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मैंने मसाले में डाल रखा है, इतना डालेंगे कि गल जाए टमाटर, थोड़ा टमाटर में गलना जरूरी होता है, नमक इसलिए डाला जाता है। देखिए ये डाल देते हैं, ये जो सोया का पेस्ट हमने बना के रखा, ये इसको कई तरह से बनाया जाता है, इसको इसकी बढ़िया भी बनाई जाती है, मतलब पकौड़ी जैसा बना दे, जैसे कि उड़द और मूंग की बनती है। लेकिन इसमें तेल दोस्तों ज़्यादा होना चाहिए, सभी ये कायदे से पक जाता है, लेकिन तेल हम ज़्यादा डालते नहीं हैं। और इसे डालेंगे पानी, इसे ये दाल थोड़ा सा भून जाए। इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी होती है, लोबिया का या चने का, मटर का, जैसे निमोना बनता है वैसी सब्जी तैयार होती है। अभी हम इसको भूनते रहेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ऐसे ही इसका हलवा बनाया जाता है, देसी घी में ज़्यादा डाल के,
और बहुत ही पौष्टिक होता है, हर आदमी हजम नहीं कर सकता। और इसकी चाट भी बनती है, मैंने एक दिन बना के दिखाई भी है आपको। इसमें अगर आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, एक आलू हम भी डाल देंगे। अब इसमें देखिए अच्छी सी महक आने लगी है, हींग, जीरा, टमाटर, लौंग, काली मिर्च। और ये देखिए हर सब्जी में अलग से अलग अलग डिजाइन की आलू डाली जाती है। तो इस निमोना में जब भी आप डालेंगे, कोई भी निमोना बनाए, मटर का, मूंग का, चने का, तो ये जो है आलू लंबी ही डालते हैं। आप भी लंबी ही डालें, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको भी देखिए थोड़ी देर भूनेंगे आलू को, इसे भूनेंगे। देखिए इसकी खुशबू उड़ रही है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए थोड़ी हम खड़ी डाल देते, इसको भी भून लेते हैं। अब हम देखिए डालेंगे मसाले। ये मेरे मसाले हैं, देखिए सारे मसाले हम घोल लेंगे और उस कटोरी को धुल के भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम चला देते हैं। अब ये निमोना जो है, इस महीने में आपने निमोना खाया ना होगा, क्योंकि आलू मटर और चने का ही ज़्यादातर हम लोग निमोना बनाते हैं। ये अब इसमें इसी स्टेज में हम अदरक डालते हैं। अब इसको भूनना पड़ेगा, देर तक भूनना पड़ेगा। आप जानते होंगे निमोना बनाने में कितनी भुनाई होती है, इसको भूनना ही मेन सब्जी का मकसद होता है। ये देखिए अब हम भूनते जाएंगे। अब देखिए इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा मलाई डालते हैं, और गैस को कर देंगे स्लो और इस मलाई को इसमें मिक्स कर देंगे। मलाई डालने से निमोना रिच हो जाता है, मतलब कोई भी सब्जी आप डालिए, थोड़ा सा मलाई डाल दीजिए, थोड़ा सा क्रीम डाल वो डाल दीजिए, दही डाल दीजिए, तो सब्जी का टेस्ट ही बदल जाता है, उसका टेक्सचर दूसरी तरह का हो जाता है। अब इसको मलाई को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब देखिए कलर बदल गया, ये देखिए मेरा मसाला भुन गया है। अब ये देखिए सब्जी का देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इस सब्जी के दो फायदे हैं, हेल्दी अलग है और टेस्टी भी है। ये देखिए तेल भी नहीं है ज़्यादा, आपने देखा होगा एक चम्मच से ज़्यादा तेल नहीं था। मेहनत किया है मैंने, पानी डाल के इसको भुना है, मसाले में अच्छी सी महक आ रही है। ये देखिए कोई कच्चापन नहीं है। तो एक बार आप जरूर बनाएं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। ग्रेवी आप अपने अनुसार डालें, जिसके मैं एक गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये जो सोयाबीन है ना, इसको थोड़ा सा पकना चाहिए, वैसे वो पक चुका है। ये सब्जी आप चावल से खाएं, पूरी पराठा से खाएं, बहुत अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। इसको डॉक्टर लोग बताते हैं कि ज़रूर खाएँ, कोई भी बीमारी हो ये सब्जी ज़रूर, सोयाबीन जो है इसको कोई डॉक्टर रोकता नहीं। अब इसका पहले आप कलर देखिए, ये कलर ये। तो अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं, इसके बाद आपको ये देखिए सब्जी मेरी बन गई है। ये देखने में कैसी लग रही है, मैं पनीर से तुलना नहीं करूंगी, क्योंकि पनीर कोई बहुत अच्छी सब्जी नहीं है और ना आप ज़्यादा खाई जाती है। शुरू में अच्छी लगती थी, अब नहीं, वो पनीर शुद्ध आता भी नहीं। ये सब्जी आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए अब हम इसमें एक तड़का लगा देते हैं, इस सब्जी को हम इधर साइड में डाल देते हैं। ये देखिए मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया, अब इसमें तेल डाल देते हैं, बस इतना तेल डालेंगे।
तेल मेरा गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम सारे मसाले डाल देते हैं इसमें। देखिए तेज पत्ता है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, लौंग है और थोड़ी हींग है। ये देखिए तेज पत्ता, जीरा, सौंफ, हींग, गैस को हम कर देते हैं बंद, नहीं हमारे मसाले जल जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डाल दिया है। अब ये देखिए सब्जी में हम लगा देते हैं तड़का, ये धनिया पत्ती हो गई और ये हो गया मेरा अदरक हरा मिर्चा। तो दोस्तों ये सब्जी आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए देखिए बिल्कुल हूबहू पनीर लग रही, कोई कह नहीं सकता कि ये किस चीज की सब्जी है। ये देखिए ये हमारा तड़का है, अगर आपको तेज पत्ता नहीं पसंद तो तेज पत्ता आप निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सोया की सब्जी तैयार है, सोयाबीन की सब्जी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत शानदार सब्जी बनी। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया से मैं मिथिला। तो देखिए ये आप लोग पहचान रहे होंगे, सोयाबीन है। तो इस सोयाबीन की आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसकी सब्जी आप जानते होंगे बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही पौष्टिक होती है। तो इस सोयाबीन को, इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। आपको कोई भी कमजोरी लग रही हो, कुछ भी हो, सोयाबीन का हलवा 2-4 दिन खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सोयाबीन आप पहचानते होंगे, सोयाबीन और लोबिया, देखिए ये ऐसी होती है ये, और लोबिया थोड़ा इसी का बड़ा रूप होता है, बिल्कुल ऐसी ही होती है लेकिन लोबिया थोड़ा बड़ी होती है। तो ये देखिए सोयाबीन मैंने, ये मैंने आपके दिखाने के लिए रख रखी है, और मैंने ये रख दो सोयाबीन। ये देखिए सोयाबीन मैंने रात में भिगो दी थी, ये तो ये मेरी सोयाबीन है। ये देखिए ये देखिए फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई। तो इसका हलवा पहले सोचे थे कि पीसेंगे, पीस के हलवा बनाएंगे, लेकिन हलवा किसी को पसंद नहीं आया, मीठा हमारे घर में लोग कम खाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने पीस ली थी, ये इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, ये मैंने इतनी पीस ली थी। तो लेकिन अब कोई खाएगा नहीं तो मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद सोयाबीन की सब्जी होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसके आप सामग्री देख लें, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, जीरा है, मिर्च है, अदरक है, और ये देखिए ये हींग है, ये और ये देखिए ये मेरे पारंपरिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, बस इससे ज़्यादा मसाले हम डालेंगे नहीं। नॉर्मल सब्जी बनाने जा रहे हैं घर में खाने के लिए। तो ये देखिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये मेरा सौंफ है और इलायची है,